उद्यमियों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने फतेहपुर जिले में पहली बार समाधान दिवस का आयोजन किया। इस दौरान नोडल अधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में कई समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। उनके साथ प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक अनुराग, प्रबंधक सिविल आर.ए. गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं IIA फतेहपुर चैप्टर चेयरमैन सत्येंद्र सिंह सहित कई उद्यमी भी उपस्थित रहे। डेली इंसाइडर से बातचीत में UPSEDA के नोडल अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि उद्यमियों ने कई समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी है। यहां से मिले फीडबैक को कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाएगा और जल्द ही इसका निस्तारण भी होगा। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी प्राधिकरण की नीतियां हैं, जो उसमें संशोधन हुए हैं, नई नीतियां आई हैं, उसके बारे में अवगत कराना और इसके अलावा जो हमारे उद्यमीगण हैं उनकी समस्याओं को सुनना और उनसे फीडबैक लेना कि भाई वो क्या सुझाव दे सकते हैं जिससे और बेटरमेंट हो सके। ये जितने भी हमारे जिले हैं, लगभग 15 जिले हैं हमारे, उसमें इन गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद फिर सारी चीज़ें भेजी जाएंगी, जो जो समस्याएं हैं, जो जो सुझाव आए हैं वो हेड ऑफिस भेजे जाएंगे, फिर इनके ऊपर काम किया जाएगा। फिर सारे समस्या आपकी रोड की है और लाइटिंग की है। मेन मुख्य जो समस्या है वो आपकी स्ट्रीट लाइट की और जो रोड की है। वहीं IIA फतेहपुर चैप्टर चेयरमैन सत्येंद्र सिंह ने समाधान दिवस को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा जिससे मलवा क्षेत्र उद्योगों की ऊंचाइयों को छू सके। सबसे पहले तो वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी को मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि मलवा औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन हुआ, क्योंकि फतेहपुर ज़िले के मलवा औद्योगिक क्षेत्र से UPSEDA का मुख्यालय लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उद्यमी अपनी समस्याएँ वहाँ नहीं बता पाते हैं, तो SIDC द्वारा जो आयोजन किया गया है वो उद्यमियों के हित का है और इसमें हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, सड़क नाली, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट या विभाग के द्वारा उत्पन्न समस्याएं या विभाग की जो CFC बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में कोई भी अधिकारी हफ्ते में 1-2 दिन नहीं बैठता है, तो हमने उसका भी निवेदन किया है। आज 1985 के बाद पहली बार UPSEDA द्वारा ऐसा आयोजन किया गया है, इसके लिए यहाँ के एसोसिएशन और उद्यमी उनके बहुत आभारी हैं। आशा करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में UPSEDA द्वारा हम उद्यमियों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि फतेहपुर के मलवा क्षेत्र के औद्योगिक विकास क्षेत्र में पहली बार समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। जिले में 1985 से औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन किसी भी उद्यमी को अगर कोई समस्या होती है तो उसे कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ता है, लेकिन इस समाधान आयोजन के जरिए उद्यमियों को अपने ही जिले में समस्याओं को उठाने का मौका मिला। डेली इनसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट।